फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है 17th सेंचुरी के फेमस मेटाफिजिकल पोइट एंड्रयू मार्वेल की एक और मज़ेदार पोयम द गार्डन, जिसे कि थॉट्स इन अ गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंप्रेसिव और इंटरेस्टिंग पोयम है और आज हम इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द पोयम। अबाउट द पोयम, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड पोस्टमसली इन मिसलेनियस पोयम्स इन 1681। इस पोएम को 1681 में पोइट की डेथ के 3 साल बाद में उनके पोइट्री कलेक्शन मिसलेनियस पोएम्स में पहली बार पब्लिश करवाया गया था। इस पोएम के प्रत्येक स्टेंजा की राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी डी डी। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज दैट पीसफुल लाइफ इन द नेचर इज मोर सेटिस्फाइंग देन सोशल लाइफ एंड ह्यूमन कंपनी। इस पोएम की मेन थीम यह है कि प्रकृति में शांतिपूर्ण जीवन, सामाजिक जीवन और लोगों की संगति से काफ़ी बेहतर है। इट इज़ ए 72 लेंस पोयम डिवाइडेड इंटू 9 ऑक्टेव्स। ये 72 लेंस की पोयम है जिसे 9 ऑक्टेव में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, ऑक्टेव 8 लेंस का स्टेंजा होता है। इट इज़ रोमांटिक इन इट्स एक्सप्रेशन एंड मेटाफिजिकल इन इट्स वर्ड्स। दोस्तों, ये एक यूनिक पोयम है जो कि अपने एक्सप्रेशन से तो रोमांटिक लगती हैं लेकिन अपने वर्ड्स से मेटाफिजिकल लगती हैं। दोस्तों, एक बार पोएम के बैकग्राउंड के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि इसमें पोइट एंड्रयू मार्वेल ने गार्डन के बारे में अपने विचार एक्सप्रेस किए हैं। पोएम को एक गार्डन में सेट किया गया है। पोएम में पोइट गार्डन की ब्यूटी की तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि गार्डन में फिजिकली और मेंटली खुशी मिलती है। वे क्लेम करते हैं कि नेचर आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। वे नेचर को समाज और समाज के लोगों से कंपेयर करते हैं। वे कहते हैं कि अगर धरती पर कोई ऐसी जगह है जो शांति और आनंद का प्रतीक है तो वो है गार्डन। साथ ही पोइट यह भी कहते हैं कि हमारे समाज में शांति और आनंद नाम की कोई चीज़ नहीं है, अगर कुछ है तो वो है भीड़ और उतार चढ़ाव। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की पोयम। हाउ वेनली मैन देम सेल्व्स अमेज टू विन द पाम द ओक और बेज। पोयम की शुरुआत में पोइट कहते हैं कि इंसान कितने मूर्ख होते हैं जो कि फालतू में पाम ट्री, ओक ट्री और बे ट्री की पत्तियों को जीतने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पत्तियों को जीतने का मतलब पत्तियों से बने ताज से हैं जो कि अच्छे काम करने वाले लोगों को दिए जाते थे। जैसे कि अगर कोई आदमी मिलिट्री में अच्छे काम करता तो उसे पाम ट्री की पत्तियों का ताज दिया जाता। अगर कोई पॉलिटिक्स में अच्छे काम करता तो उसे ओक ट्री की पत्तियों से बना ताज दिया जाता। अगर कोई लिटरेचर की फील्ड में अच्छे काम करता तो उसे बेस्ट ट्री की पत्तियों से बना ताज दिया जाता था। एंड देयर अनसेसेंट लेबर सीक क्राउन फ्रॉम सम सिंगल हर्ब्स और ट्री। और ये लोग ताज पाने के लिए लगातार इतनी मेहनत कर रहे थे। इट मीन्स या तो इन्हें पाम ट्री का ताज मिलता या ओक ट्री या फिर बे ट्री का, लेकिन फिर भी इनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। वेनली का मतलब होता है फालतू। मेन यहाँ पर इंसानों के लिए यूज़ किया गया है। अनसेसेंट यानी लगातार या बिना रुके। लेबर यानी मेहनत। Whose short and narrow words shed does prudently their toils of bread। इन पेड़ों की छोटी और संकरी पत्तियाँ चालाकी से इन लोगों की मेहनत का मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि इन पत्तियों से बने ताज की छाया तो बहुत कम होती हैं जबकि ये लोग तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। शेड का मतलब होता है छाया। प्रूडेंटली यानी चालाकी से अब ब्रेड यहाँ पर मजाक उड़ाने के लिए यूज़ किया गया है। While all flowers and all trees do close to weave the garlands of repose। जबकि ये flowers, leaves और trees जब एक दूसरे के close आते हैं तो ये सभी मिलकर शांति की माला बनाते हैं। It means एक तरफ तो इंसान है जो कि पत्तियों की माला पाना चाहते हैं जो कि उनकी विक्ट्री को शो करती हैं, और दूसरी तरफ इन trees की माला हैं जो कि पीस शो करती हैं। Garlands of repose का मतलब होता है शांति की माला। Fair quiet have I found thee here and innocence thy sister dear। आगे पोइट कहते हैं कि मुझे इस गार्डन में कंप्लीट शांति मिली है और साथ इसके सिस्टर इनोसेंस भी मुझे यहाँ मिली है। Mistaken long I sought you then in busy companies of men। पोइट कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई क्योंकि मैं तुम्हें लोगों के बीच में ढूंढ रहा था लेकिन तुम दोनों तो यहीं इसी गार्डन में थी। Sought का मतलब होता है ढूंढना। Your sacred plants if you are below only among the plants will grow। आगे पोइट क्वाइटनेस को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि अगर यहाँ पर तुम्हारी तरह कोई पवित्र पौधा है तो वो इस गार्डन के इन्हीं पौधों के बीच में ग्रो करेगा। सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र। सोसाइटी इज ऑल बट रूड टू दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड। लेकिन जो हमारे समाज के लोग हैं वो इस गार्डन में मिलने वाले अकेलेपन के लिए बुरा फील करते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि हम हमेशा लोगों के बीच में रहें, लेकिन अगर हम लोगों के बीच में रहेंगे तो गार्डन की क्वाइटनेस और इनोसेंस हमें कभी नहीं मिल पाएगी। रूड का मतलब होता है बुरा व्यवहार। सोलिट्यूड यानी अकेलापन।
नो वाइट नो रेड वॉज एवर सीन सो एमरस एज देयर लवली ग्रीन। आगे पोइट कहते हैं कि न तो व्हाइट कलर और न ही रेड कलर कभी भी इतने ब्यूटीफुल नहीं लगे जितने कि इस गार्डन के ट्रीज का ग्रीन कलर लग रहा है। एमरस यहाँ पर ब्यूटीफुल के सेंस में यूज किया गया है। फोन लवर्स क्रूअल एज देयर फ्लेम कट इन दिस ट्रीज देयर मिस्ट्रेस नेम। प्यार करने वाले लवर्स एकदम आग की तरह क्रूर होते हैं। जिस तरह आग सब कुछ बर्बाद करने की कैपेसिटी रखती हैं, उसी तरह लवर्स भी प्यार में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। वे पेड़ों के तनों को चाकू से काटकर अपने लवर का नाम लिखते हैं। लिटिल अलास दे नो और हीड हाउ फार दीज ब्यूटीज हर सक्सीड। कितने दुख की बात है कि शायद ही वे लवर्स ये जानते होंगे कि इस गार्डन की खूबसूरती उनकी बिलेवेट की खूबसूरती से कई गुना ज़्यादा है। हीड का मतलब होता है पता होना, एक्सीड यानी ज़्यादा। फेयर ट्रीज वेयर एवर योर बाग्स आई फाउंड नो नेम शेल बट योर ओन बी फाउंड। आगे पोइट कहते हैं कि अगर मुझे भी कभी इन लवर्स की तरह पेड़ों के छाल पर नाम लिखने का मौका मिला तो मैं किसी बिलेवेट का नाम नहीं लिखूंगा बल्कि सिर्फ तुम्हारा नाम लिखूंगा क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती मेरी बिलेवेट से कई गुना ज़्यादा है। बाग्स का मतलब होता है छाल, वाउंड यानी घाव। वेन वी हैव रन आर पेशेंस हीट लव हिदर मेक्स हिज बेस्ट रिट्रीट। पोइट कहते हैं कि जब लवर्स का प्यार समय के साथ साथ कम हो जाता है, जब उनकी एज बढ़ जाती है और उनके सेक्सुअल डिजायर्स खत्म हो जाती हैं, तब वे शांति पाने के लिए गार्डन में आते हैं, नेचर के क्लोज आते हैं। द गॉड्स दैट मॉर्टल ब्यूटी चेज स्टिल इन अ ट्री डिड एंड देयर एस। हमारे जो गॉड हैं वे भी धरती पर अपने बिलेवेट का पीछा करते हुए आए थे, वे यहाँ पर भटकते रहे और उन्हें उनकी बिलेवेट एक पेड़ के रूप में मिली। इस तरह ये गार्डन में आकर उनकी रेस खत्म हो गई। चेस का मतलब होता है पीछा करना। आगे पोइट इसके दो एग्जांपल्स देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देते हैं गॉड अपोलो का, जो कि डेफने से प्यार करते थे और उसका पीछा करते हुए धरती पर आए थे। डेफने ने अपोलो से बचने के लिए खुद को लॉरेल ट्री में बदल लिया। इस तरह गॉड अपोलो को वो एक ट्री के रूप में मिली। सेकंड एग्जांपल देते हैं गॉड पेन का, जो कि एक अप्सरा सिरिंग से प्यार करते थे और उसे ढूंढते हुए धरती पर आए थे। वो इनसे बचना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को रीड ट्री में बदल लिया। दोस्तों, गॉड पेन जंगली जानवरों चरवाहों और अप्सराओं के देवता थे। निम्फ का मतलब होता है अप्सरा, रीड एक टाइप का जंगली पौधा होता है। ये दोनों एग्जांपल्स देकर पोइट ये प्रूव करना चाहते हैं कि गॉड्स की रेस भी धरती पर गार्डन में इन्हीं पेड़ों के बीच में आकर खत्म होती हैं। व्हाट वंडरस लाइफ इन दिस आई लीड राइप एप्पल्स ड्रॉप अबाउट माई हेड। आगे पोइट कहते हैं कि ये कितनी शानदार लाइफ है जो मैं जी रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी के प्यार में नहीं हूँ। मैं गार्डन में आराम से बैठा हुआ हूँ और पके हुए एप्पल्स मेरे सिर पर गिर रहे हैं। वंडरस का मतलब होता है शानदार, लीड यानी जीना, ड्रॉप यानी गिरना। द लशियस क्लस्टर्स ऑफ द वाइन अपॉन माई माउथ डू क्रश देयर वाइन। पके हुए अंगूर की बेलों का झुंड एक दूसरे से टकराकर स्वादिष्ट शराब बनाता है, जो कि सीधे मेरे मुंह में गिर रही हैं। लशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, क्लस्टर यानी झुंड, वाइन यानी बेल, वाइन यानी शराब। द नेक्ट्रीन एंड क्यूरियस पीच इन टू माई हैंड्स देम सेल डू रिच। और इसी तरह नेक्ट्रीन और पीच दोनों फ्रूट्स अपने आप टूट कर मेरे हाथों में गिर रहे हैं। Stumbling on melons as I pass ensnared with flowers I fall on grass। अब आगे पोइट अपनी इमेजिनेशन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब वे आगे बढ़ते हैं तो जमीन पर पड़े हुए वाटर मेलन्स से टकरा जाते हैं, वो लड़खड़ाकर घास पर गिर जाते हैं, और जब वे उठते हैं तो अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूलों के बीच में फंसा हुआ महसूस करते हैं। स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाकर गिरना, एंसनेयर यानी फंसना। मेलन यहाँ पर वाटर मेलन के लिए यूज़ किया गया है। Meanwhile, the mind from pleasureless withdraws into its happiness। आगे पोइट कहते हैं कि मैं यहाँ गार्डन की चीज़ों को खा पी कर फिजिकली इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड को यहाँ पर प्लेजर नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अपने अकॉर्डिंग बाहर की चीज़ों में खुशी ढूंढ कर इंजॉय कर रहा है। द माइंड दैट ऑन्स एंड वेयर इच काइंड डज स्ट्रेट इट्स ऑन रिजेम्बलेंस फाइंड। पोइट कहते हैं कि हमारा माइंड बिल्कुल महासागर की तरह होता है, क्योंकि जिस तरह महासागर अपने जैसा महासागर ढूंढ ही लेता है, बिल्कुल उसी तरह हमारा माइंड भी इससे मिलती जुलती चीज़ें ढूंढ ही लेता है। ओशियन का मतलब होता है महासागर, रिजेम्बलेंस यानी मिलती जुलती चीज़ें। येट इट क्रिएट्स ट्रांसेंडिंग दीज फॉर अदर वर्ल्ड्स एंड अदर सीज। लेकिन फिर भी ये मेरा माइंड अपने इमेजिनेशन में नए चीज़ें बनाता है, जो कि इस दुनिया और समुद्र से बहुत आगे हैं। ये माइंड अपनी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, सी यानी समुद्र। एनिहिलेटिंग ऑल दैट इज मेड टू अ ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन शेड।
फ्रॉइड कहते हैं कि मेरा माइंड मेरी पुरानी यादों को मिटा देता है और माइंड को एकदम फ्रेश कर देता है, ताकि मैं यहाँ गार्डन में पेड़ों की छाया के नीचे नई और पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोच सकूँ। एनिहिलेटिंग का मतलब होता है मिटा देना, ग्रीन थॉट यानी न्यू एंड पॉजिटिव थॉट, ग्रीन शेड यानी पेड़ों की छाया। हियर एट द फाउंटेन स्लाइडिंग और एट सम फ्रूट ट्रीज मसी रूट। अब आगे पोइट कहते हैं कि यहाँ गार्डन में फाउंटेन के पास या फिर किसी फ्रूट ट्री की रूट में काई की वजह से बहुत फिसलन है। स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलन, मोसी यानी काई। कास्टिंग द बॉडीज वेस्ट असाइड माई सोल इन टू द बाउज डस्ट ग्लाइड। इसके बाद मेरी सोल मेरी बॉडी को एक तरफ छोड़कर पेड़ों की टहनियों के बीच चली जाती हैं। असाइड का मतलब होता है एक तरफ, बाउज यानी टहनियाँ। देयर लाइक अ बर्ड इट सीट्स एंड सिंग्स देन वेट्स एंड कॉम्स इट सिल्वर विंग्स। अब इन दो लाइन्स में पोइट सोल को एक बर्ड से कंपेयर करते हैं। वे कहते हैं कि मेरी सोल एकदम बर्ड की तरह है, जिस तरह एक बर्ड पेड़ों की टहनियों में बैठकर गाने गाता है और अपने पंखों को चोंच से साफ करता है, उसी तरह मेरी सोल भी पेड़ों की टहनियों पर बैठकर गाने गा रही हैं और अपने सिल्वर विंग्स को साफ कर रही हैं। एंड टिल प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्गर फ्लाइट वेव्स इन इट्स प्लांट्स द वेरियस लाइट। पोइट कहते हैं कि अब मेरी सोल अपने आप को एक लंबी उड़ान के लिए तैयार कर रही है, वो लाइट को अपने पंखों से लहरों की तरह गुजरने दे रही है। लॉन्गर फ्लाइट का मतलब होता है लंबी उड़ान, वेव्स यानी लहरें, प्लम्स यानी पंख। सच वॉज देट हैप्पी गार्डन स्टेट वाइल मैन देयर वर्कड विदाउट अ मैट। और ये गार्डन बिल्कुल ईडन गार्डन की तरह लग रहा है, जिसमें केवल एडम रहता था जब तक कि गॉड ने ईव को नहीं बनाया था। ये दोनों गार्डन जॉय और हैप्पीनेस से भरे हुए थे। After a place so pure and sweet, what other help could yet be met? इस गार्डन की तरह इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी जगह मिलने के बाद मुझे फिर किस चीज़ की जरूरत हो सकती है? मुझे इस गार्डन में सब कुछ मिल चुका है। But it was beyond a mortal share to wander solitary there. लेकिन ईडन गार्डन में अकेले घूमकर उसकी ब्यूटी को एंजॉय करना मनुष्य के नसीब में नहीं था, क्योंकि एडम के कुछ टाइम बाद ही गॉड ने ईव को बना दिया, जिस वजह से वो भी गार्डन की खूबसूरती को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाया। वांडर का मतलब होता है घूमना, सोलिटरी यानी अकेले। टू पैराडाइजेस इट वर इन वन टू लिव इन पैराडाइज अलोन। आगे पोइट कहते हैं कि गॉड को एडम के लिए ईव बनाने की क्या जरूरत थी, एडम ने गॉड से ईव की डिमांड थोड़ी ना की थी। अगर गॉड ईव को नहीं बनाते तो एडम एक साथ दो पैराडाइज में रहने की खुशी मनाता, क्योंकि एक तरफ तो वो अकेला होता, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होता और अपने आप में एंजॉय करता, और दूसरी तरफ वो खुद ईडन गार्डन में रह रहा था। इस तरह वो एक साथ दो पैराडाइज में रह रहा होता। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। How well the skillful gardener drew off flowers and herbs this dial knew. अब लास्ट स्टेंजा में पोइट वापस अपने गार्डन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस गार्डन का गार्डनर कितना स्मार्ट और टैलेंटेड रहा होगा, जिसने यहाँ के फूलों और जड़ी बूटियों से इतना शानदार सन डायल बना दिया। हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटियाँ। दोस्तों, सन डायल कैसा दिखता है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। Where from above the milder sun does through a fragrant zodiac run. और जब इस सन डायल पर सूरज की हल्की रोशनी पड़ती है तो उससे एक खुशबू निकलती है, जिससे टाइम का पता चलता है। माइल्डर सन का मतलब होता है सूरज की हल्की रोशनी, फ्रेग्रेंट यानी खुशबू, जोड़ियक रन यानी टाइम। एंड एज इट वर्क्स द इंडस्ट्रियस बी कंप्यूट्स इट्स टाइम एज वेल एज वी। और जब ये सन डायल सही से काम करता है तो मधुमक्खियाँ भी उसी से अपना टाइम मैनेज करती हैं, जिस तरह की हम अपना टाइम मैनेज करते हैं। How could such sweet and wholesome hours be reckoned but with herbs and flowers? लास्ट लाइन्स में पोइट कहते हैं कि हमारा टाइम जो गुजर रहा है उसे हम जड़ी बूटियों और फूलों से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं फाइनल लाइन्स के साथ एंड्रयू मार्वल की पोयम द गार्डन या थॉट इन अ गार्डन कंप्लीट होती हैं। और कैसे लगी आपको यह पोयम कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।